वेलकम बैक टू इंडियन देसी तड़का। दिस इज रवि शर्मा, आपके अपने यूट्यूब के पंडित जी। दोस्तों, पंडित जी इस समय खड़े हैं पुष्कर के मारवाड़ बस स्टेशन पर, जो कि काफ़ी फेमस जगह है। पुष्कर का पुलिस थाना, पुराना वाला पुलिस थाना, और यहां का बिहारी डायग्नोस्टिक सेंटर, पुष्कर का राजकीय हॉस्पिटल, ये सब आसपास में है। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, और वहाँ पर फेमस है सोहन जी का नाश्ता, कचौड़ी, सोहन जी की पकौड़ी और सोहन जी की कढ़ी। इन तीनों का जब बनता है कॉम्बिनेशन, तो नाश्ते का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पुष्कर में मारवाड़ बस स्टेशन पर सोहन जी का नाश्ता सेंटर। यहाँ के लिए आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मारवाड़ बस स्टेशन इतना फेमस है कि यहाँ पर अजमेर से नागौर जाने वाले लोग यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं, और इनकी कचौड़ी, पकौड़ी, इनके मिर्ची बड़े, इनके ब्रेड पकौड़े, इनकी खुशबू इस बस स्टेशन पर इतनी गुम होती है कि आप अपने आप आदमी यहाँ पर खींचा चला आता है। तो देखिए भैया लोगों की मुस्कुराहट तो आप देख ही रहे हैं, और यहाँ पर बात करते हैं अलग अलग लोगों से जो यहाँ पर खा रहे हैं। मालपुआ अजमेर से रोज अप डाउन करते हैं यहाँ पे खाने के लिए। अरे वाह यार, फेमस चीज है इसलिए। क्या बात, रोज का काम है। हम सब समोसा लपेट रहे हैं। बहुत महाराष्ट्र से आए, बहुत बढ़िया है समोसा है यहाँ पर मिलता है। अरे यार, महाराष्ट्र से आए? हाँ, महाराष्ट्र से आए। ओके। तो आपने सुना था इस कचौरी के बारे में? सुना था कचौरी के बारे में, बस स्टैंड के पास में मिलेगा आपको बढ़िया कचौरी। तो हम वहाँ से ढूंढते यहाँ तक आ गए बस स्टैंड पर, लेकिन खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया, और एक मैं लेके खाऊंगा। अरे वाह, क्या महाराष्ट्र में कहाँ से सर आप? महाराष्ट्र में बारामती से हूँ। बारामती? हाँ। ऐसा टेस्ट कहाँ नहीं मिलेगा, फाइव स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा, सेवन स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा, ऐसा बढ़िया टेस्ट है यहाँ पर कचौरी का। क्या बात है, बारामती से आए हुए भैया बता रहे हैं ये वाला स्वाद आपको फाइव स्टार, थ्री स्टार, सेवन स्टार में नहीं मिलने वाला है। तो मज़ा लेना है तो इस स्ट्रीट फूड का पुष्कर आइए, और इसी मारवाड़ बस स्टेशन पर सोहन जी की कचौड़ी, पकौड़ी और कढ़ी के साथ में आप टेस्ट कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। भैया ने आपको ब्रांडिंग दे दी है। कितने नंबर देंगे आप इनको? इनको पूरा नंबर जैसा रहेगा उतना पूरा नंबर दे दूंगा। अरे वाह यार, भैया बस जा रही है। अरे चम्मच तो दो यार, आ जा चम्मच। देखिए इस तरह से लोग भागते हुए इनकी कचौड़ी पैक करा के, और ये देखिए गाड़ी में दौड़ रहे हैं भैया। तो लगभग ये सीन दिन भर यहाँ पर चलता है, कचौड़ी के दीवाने, पकौड़ी के दीवाने यहाँ पर आते हैं और इनकी कचौड़ी पकौड़ी दिन भर खाते रहते हैं जी। सर अपने आइटम्स के बारे में बताइए। कचौरी प्रति नंग 15 रुपये, और कचौरी पकौड़ी मिक्स लेंगे तो 20 रुपये, कचौरी पकौड़ी दही लेंगे तो 25 रुपये, और मिर्ची बड़ा प्रति नंग 15 रुपये, ब्रेड पकौड़ा 15 रुपये, समोसा 15। कितने सालों से आपकी दुकान है यहाँ पे? 25 सालों से। लम 25 साल हो गए। हाँ। और टाइमिंग क्या रहती है अपनी? टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट सर। और कौन सा तेल आप काम में लेते हैं? स्वास्तिक का, मूंगफली का तेल, राइट सर। तो पंडित जी को भी आप खिलाएंगे कुछ? हाँ खाओ ना साहब। चलो एक कचौड़ी और थोड़ी सी पकौड़ी मिक्स करके खिलाइए आप मुझे। चलो खिलाएंगे साहब। सर ये डोना चेंज कीजिए प्लीज, प्लास्टिक का डोना नो मोर अलाउड।
तो मोदी जी आपको आ जाएंगे पकड़ने के लिए? थर्माकोल, हाँ थर्माकोल है ये दोनों, अब बंद हो जाएगा बस। अच्छा, ये आपका लास्ट राउंड है? हाँ लास्ट राउंड है। अगला राउंड जब भी खरीदे प्लीज चेंज कर दीजिए। नहीं नहीं, हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दोस्तों पंडित जी का डोना लग चुका है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें इन्होंने क्या क्या मुझे फिलिंग वगैरह करके दी है। सो बेसिकली कचौरी तो है ही, साथ में पकौड़ी कढ़ी है और लाल चटनी दिख रही है, इसमें हरी चटनी दिख रही है, पकौड़ी मुझे लग रही है पालक वाली है। तो चलिए लपेटते हैं और आपको बताता हूँ यहाँ का स्वाद के बारे में। इसमें मेरे बाइट में कचौड़ी भी है, पकौड़ी भी है और दही भी है, सारा वाला मामला मिक्सअप करके जाने दो। वास्तव में कचौरी इतनी कढ़ी में डलने के बाद में भी काफ़ी क्रिस्पी है, दैट मीन्स जो सिकाई ये इनकी करते हैं कचौरी की, बहुत ही मंद आंच पे करते हैं और वाकई बहुत ही प्यारी, बेहद स्वादिष्ट। मैडम कैसा लगा आपको यहाँ का कचौरी और पकौड़ी? अच्छा लगा। कहाँ से आए आप? देगाना से। देगाना से, आप? गोटन से। हमेशा आते हैं इसलिए टेस्ट जानते हैं, इसलिए पहले ही बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है। जब आपको मिल जाते हैं शूट करते हुए आपके व्यूअर्स तो फिर बात ही कुछ और होती है। चलिए बात करते हैं सर, क्या लपेट रहे हैं आप? हाँ कचौड़ी, कड़ी कचौड़ी। कड़ी कचौड़ी सर कैसी लगी? अरे बहुत आनंद, मतलब पुष्कर पूरा खत्म कर चुके हैं। अरे वाह यार, पुष्कर आया और पुष्कर की कड़ी कचौड़ी नहीं खाई तो फिर क्या मतलब। क्या बात है सर, आप क्या लगा रहे हैं? सर मिर्ची वड़ा। मिर्ची वड़ा कैसा लगा? बहुत अमेजिंग। हमें आपने क्या लगाया? सर मैं मालपुर चेप के पास अभी भी एक मिनट पहले खड़ा ही हुआ हूँ। अरे भैया कैसा लगा? एक नंबर, एक नंबर। तो दोस्तों सोहन लाल जी की कचौरी और पकौड़ी वाला वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। इस वीडियो को वायरल करना इट मींस शेयर धड़ाधड़ कीजिएगा। पंडित जी के चैनल इंडियन देसी दरगाह पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि पंडित जी के नए नए अपडेट आप तक पहुँच सके। राइट डियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पंडित जी, स्टे ट्यून्ड विद इंडियन देसी दरगाह। बाय बाय, जय श्रीमन नारायण।